गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मीरा आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी और आज हम पढ़ेंगे क्लास टू में पार्ट फोर चार अपने भरोसे। तो बच्चों अपने भरोसे एक कहानी है और ये कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों ये कहानी में एक किसान है जिसका नाम है, उस किसान का नाम है कर्मा। ये किसान ने अपने खेत के किनारे, किसान के खेत के किनारे एक पेड़ है नीम का, और उस नीम के पेड़ पे चिड़िया ने अपने घोंसला बना रखी है। और घोंसले में उसके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। तो किसान जो है वो अपने खेत में मक्का बोया हुआ है, और उस मक्के के खेत में जो मक्का है वो पक चुका है, तैयार हो गया है फसल। तो किसान अपने बेटे पन्ने से बोल रहा है कि बेटा इस खेत की कटाई हमें करनी है, तो जाओ और गांव वालों को जाकर ये सूचना दे दो कि खेत की कटाई करनी है। तो उसके बाद वो कई दिन बीत जाता है बोलने के बाद। तो दो तीन दिन के बाद फिर किसान आता है और चिड़िया के बच्चे ये बात सुनकर कि खेत की कटाई करना है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो जब शाम को चिड़िया के माता पिता आते हैं, चिड़ा और चिड़िया, तो वो अपने माता पिता से ये बताते हैं नन्हे बच्चे कि किसान अपना फसल मतलब काटने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके माता पिता को, चिड़िया और चिड़िया को कोई घबराहट नहीं होता है, वो एकदम शांत रहते हैं। अगले दो तीन दिन बाद फिर किसान आता है और फिर अपने बच्चे से बोलता है, अपने बेटे पन्ने से बोलता है कि बेटा पन्ना क्या तुमने गांव में बताया था कि फसल की कटाई करनी है। तो उसका बेटा बोलता है नहीं, मैंने तो ये बात कही थी मगर हर गांव वाले इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो किसान बोलता है कर्मा कि जाओ बेटा अपने तुम चाचा और ताऊ से जाकर ये बात कह दो कि फसल की कटाई करनी है। तो उसका बेटा पन्ना जाता है और जाके अपने चाचा और ताऊ से बोलता है कि फसल की कटाई करनी है। लेकिन उसके चाचा और ताऊ घर पे बहुत व्यस्त रहते हैं काम में और वो नहीं आ पाते हैं। फिर चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं और फिर वो अगले दिन अपने माता पिता से बोलते हैं, चिड़िया और चिड़िया से, कि फसल पक चुकी है और हम लोग कभी भी यहाँ से मतलब नहीं रह पाएंगे यहाँ इस पेड़ पे, क्योंकि फसल कट जाएगी। तो उसके माता पिता चिड़िया और चिड़िया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये फसल कट जाएगी तो हम किसी और खेत में चले जाएंगे और जाकर हम अपना घोंसला वहां बना लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो किसान फिर आता है खेत के किनारे और अपने बेटे से बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चाचा और ताऊ खेत को काटने के लिए आ रहे हैं। तो उसका बेटा पन्ना बोलता है नहीं पापा, वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो किसान को बहुत खराब लगता है और बोलता है कि अब मैं किसी गांव वालों के भरोसे नहीं रहूंगा और ना ही मैं अपने भाई और चाचा और ताऊ के भरोसे रहूंगा, मैं अपने खेत की कटाई मैं स्वयं करूंगा, मैं खुद करूंगा। तो ये बात चिड़िया के बच्चे सुनते हैं और शाम को जब उसके माता पिता आते हैं चिड़िया और चिड़िया, तो वो बोलते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं और जो किसान है कर्मा वो अपने खेत की कटाई आज करेगा। तो उसके माता पिता क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर और किसी और खेत में वो चले जाते हैं और जाकर वहाँ घोंसला बना लेते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी किसी बात से घबराना नहीं चाहिए और अपने पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने भरोसे पे ही हमको अपना सब काम करना चाहिए। बच्चों अभी हमने पाठ को पढ़ा है, अब हम इस पाठ चार अपने भरोसे का हम देखेंगे। शब्द पाठ, पंख पर, घबराहट बेचैनी, चिंतित परेशान, अवश्य निश्चित, स्वयं खुद, स्वार्थी मतलबी, औजार हथियार, घोंसला पक्षियों का घर।
पक्षियों की बात सुनकर चिड़ा चिड़िया क्यों निश्चिंत रहे? उत्तर होगा, बच्चों की बात सुनकर चिड़ा चिड़िया इसलिए निश्चिंत रहे, उनको अपने परिश्रम पर भरोसा था। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, कर्मा की किस बात से चिड़ा चिड़िया चिंतित हो गए? उत्तर होगा बच्चों, कर्मा के आने की बात से चिड़ा चिड़िया चिंतित हो गए। अगला प्रश्न है घ, दूसरों पर भरोसा करने से क्या होता है? उत्तर है बच्चों, उत्तर है दूसरों पर भरोसा करने से काम समय पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बचा है च, प्रश्न नंबर च, चिड़ा चिड़िया कहाँ चले गए? तो उत्तर होगा बच्चों, चिड़ा चिड़िया दूसरे खेत में चले गए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ चार का शब्द को कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए और बार बार पढ़िए, और पाठ चार का प्रश्न उत्तर को भी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए। थैंक यू।